नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब हो जाइए तैयार जीवन के असली आनंद लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन काल के अशुभ समय का घड़ा भर चुका है और जीवन काल में अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। जीवन काल में अब आपके सकारात्मक समय चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगर ऐसे मौके हाथ से चले जाएंगे या फिर आप हाँ शीशी मुक्की को जाने देंगे तो दोस्तों आपको बता दें तो दोस्तों आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा अफसोस होगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी कुंडली में गुरु शनि और शुक्र की कृपा दृष्टि बनने वाली है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि शनि और मंगल मेष में बहुत ही बड़ा महायुद्ध छिड़ने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही साथ दोस्तों नीच भंग गज केसरी नाम का भी शुभ योग का और राजयोग का निर्माण होगा, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में यथासंभव इतने बड़े बड़े बदलाव करने वाले हैं। मानो दोस्तों आपके जीवन काल में चार चांद ही लग जाएंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक सभी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। जी दोस्तों, जो बात हम आपको बताने वाले, जो उपाय हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, जीवन काल में अगर आप इन्हें मात्र सुन लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में 95% इनका असर हो जाएगा और 5% आपको इन्हें करना पड़ेगा। जी दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बस आपको सुनना है। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी के सच्चे परम भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय भाव से जय शनिदेव जय माता लक्ष्मी हमारी मनोकामनाएं पूरी करें जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपकी जीवन काल की सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और कष्ट आने से ही पहले समाप्त होंगे। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जो कि दोस्तों इन दोनों में आप सभी के जीवन काल में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। जी दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन काल में इस आदत को ढाल दीजिए, जीवन काल में कभी भी संकटों में आपको निराशा नहीं होगी, हर संकट में आपके अंदर जीत की एक ललक होगी। जी दोस्तों, जब भी भोजन करने बैठो तो प्रभु को प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करो। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खाऊं, पाप की कमाई घर में न लाऊं, उसमें बेगुनाहों की खून की कोई भी अंश ना हो, किसी के बच्चों का हक ना हो, मेरी कमाई पवित्र हो जिससे मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। बस इसी आदत को अपने जीवन काल में ढाल लेना है और सारे संकटों का निवारण आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह परम ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों विषय के साथ बात करते हैं कि आने वाले समय में भगवान शनि शुक्र और जो गुरु की दृष्टि है आपकी कुंडली पर और जो शनि और मंगल का जो महायुद्ध है आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो के मध्य में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात है जो कि दोस्तों आप सभी को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यह समय आपके धर्म तथा अध्यात्म के प्रति आस्था आपको वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों से पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेंगी। दोस्तों आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करेंगे तथा भारी गतिविधियों और लोगों के साथ मेल मिलाप पर भी आपका अधिक ध्यान यश में रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके लिए कुछ फायदेमंद स्थितियां भी बन रही है और इनमें आप अच्छी सफलता को भी प्राप्त करने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपको अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में कुछ परेशानियाँ भी आ सकती है, परंतु दोस्तों यश में आपको धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों के कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से उनके मनोबल में कमी आ सकती है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपने अभी तक अब कड़ी मेहनत द्वारा अपना स्थान निर्माण किया है, दोस्तों यह स्थान को बनाए रखने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों आपकी जीत की वजह से परिवार के कुछ लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाना, इन बातों की वजह से रिश्तों में आ रहे तनाव ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसको उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आर्थिक मामलों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यह समय लाभ संबंधी ग्रह स्थितियाँ भी बनी हुई है, क्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से आप सफलता और उपलब्धि हासिल यश में करने वाले हैं।
इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी परिस्थिति में आपका स्वाभिमान व फिर आत्मबल यशमय बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यशमय आपको अपने गुस्से व फिर चिड़चिड़ापन पर नियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी इसकी वजह से आपका स्वभाव जिससे होगा कि आपको कुछ दिक्कतें भी खड़ी कर देंगी। दोस्तों आपको बता दें कि बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि दोस्तों आपकी समस्या की जड़ यही हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अभी तक बर्बाद किए वक्त और ऊर्जा की वजह से यशमय आपको पछतावा भी होगा। लेकिन दोस्तों जो बातें हो गई है उन बातों पर अधिक ध्यान न देते हुए आपको बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि आप योजना ठीक तरीके से बना रहे हैं, लेकिन योजना पर टिके रहने के लिए आपकी इच्छा शक्ति कम रही है। इसलिए दोस्तों यशमय अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें, इस बात पर आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके बाद दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क की दायरा भी यशमय बढ़ने वाले हैं। कुछ राजनीतिक लोगों के साथ भी लाभदायक मुलाकात होंगी। घर में धार्मिक कार्य संपन्न होते और योजना भी बन सकती है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें किसी सामाजिक सेवी संस्था से जुड़ना आपको इसमें खुशी और सुकून दोनों देने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें कभी कभी कोई नकारात्मक बातें भी आपके ऊपर हावी होने की वजह से मनोबल में कमी आएगी, तो इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों अपने स्वभाव को इसमें पॉजिटिव बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कोई भी कार्य करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें, अन्यथा जो है समय हाथ से भी निकल सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यशमय आपको बता दें कि आपको मिले अनुभव द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कैसे बर्ताव करना है यह बात आपको अच्छे से पता है। और दोस्तों इसी बात का फायदा यशमय उठाते हुए आप पुराने रिश्तों में बदलाव भी ला पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि रिश्तेदारों के साथ हो रहे मनमुटाव को मिटाने की आपको कोशिश करनी चाहिए और यशमय आपकी कोशिश भी कामयाब रहेंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि संतान संबंधी कोई भी शुभ समाचार यशमय आपको मिल सकता है। दोस्तों हर काम को शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो आप सभी समस्याओं का हल भी प्राप्त करेंगे और काम में अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे यशमय आपके पास आएंगे और आपको जो है अच्छे साबित करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यशमय उनके संबंध भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि यशमय दिखाव के चक्कर में आप अधिक खर्चा कर सकते हैं, इनसे आपको यशमय बचना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि किसी से अगर कोई वादा किया है या फिर किसी को आपने कुछ वचन दिया है तो दोस्तों इन्हें अवश्य पूरा करें। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जो मौके आपने गलती से खोए थे वही मौके फिर से आपको प्राप्त होंगे। इस बार दोस्तों आपको अधिक जागरूकता दिखाकर मिले हुए अवसर को फायदा में बदलना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आपके अंदर बने हुए जो भी नकारात्मक दृष्टि है इन्हें दूर करने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप इनमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों योग मार्गदर्शन के साथ अपने जो है प्रयत्न में जारी रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और दोस्तों इनसे आपको सफलता भी यशमय प्राप्त होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों साझेदार के व्यवसाय में यशमय वह गति पकड़ेंगे। साथ ही दोस्तों सहयोगियों और कर्मचारियों से भी सहयोगात्मक रवैया रहेगा। लेकिन दोस्तों अपनी योजनाओं को जो है कुछ बदलाव लाने में आप प्रेरित कर सकते हैं, यानी दोस्तों आपको अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव यशमय लाना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी ऑफिस का माहौल सकारात्मक बना रहेगा। दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी यशमय आ सकता है। पारिवारिक वातावरण भी यशमय खुशनुमा बना रहेगा। इसलिए दोस्तों यशमय आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए, उनमें आपको समय व्यतीत करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम संबंधों के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति से विवाह में परिणित होने का अवसर भी मिल सकता है। बच्चों के जो है अनुशासन में रहने की वजह से घर का माहौल भी इसमें खुशनुमा रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि काम के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर भी आप अपना सहयोग अवश्य दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। युवाओं का विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और यश संबंध प्रेम संबंधों में भी जो है तब्दील यश में हो सकते हैं।
और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके सेहत की, तो दोस्तों इसमें पेट संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी। इसकी वजह से आपको सिर्फ अनियमित खान पान ही नहीं हल्का फुल्का और सुपाच्य भोजन भी लेना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए सम होंगे, आपके सेहत के लिए सम होंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, मौसम में बदलाव की वजह से कुछ आलस और सुस्ती भी आपके ऊपर हावी रह सकती है।